सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिटकॉइन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या नहीं। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बिटकॉइन पर अपना रुख साफ करने को कहा। आम बजट 2022 में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स लगाने की बात कही थी। कोर्ट गेन बिटकॉइन घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भारद्वाज पर अपने भाई अमित के साथ मिलकर निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा कर बहुस्तरीय मार्केटिंग स्कीम चलाने के आरोप हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सवाल किया, क्या ये अवैध है या नहीं, आपको अपना मत स्पष्ट करना होगा। ऐश्वर्या भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि ये मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिए कहा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि ये अवैध है या नहीं। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले की सुनवाई अगले 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी। वित्त मंत्री ने कहा था, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण ये आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था को उपलब्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।